ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हों। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक जबरदस्त मनमोहनी आकर्षण वशीकरण दे रहा हूं, जिसके तरफ देखेंगे वही बन जाएगा दीवान। साथियों, आप लोग बहुत से वशीकरण प्रयोग किए होंगे, आकर्षण मनमोहनी, लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं मिला होगा। तो साथियों, अगर आप वशीकरण कर कर के थक गए हो, निराश हो गए हो, तो इस उपाय को करें, लेकिन एक बात का ध्यान दें। यह ऐसा बूटी है कि जिसके तरफ बार बार देख लिया जाए वही व्यक्ति दीवाना बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप जिसे बस में करना है उसी के तरफ यह बूटी बांधने के बाद बार बार देखें, दूसरे के तरफ नहीं। तो साथियों, इसके लिए आपको एक पौधे का तलाश करना होगा। तो इस पौधे का नाम है गिलोय। तो साथियों, यह गिलोय आयुर्वेदिक औषधि में फेमस है और तंत्र में भी बहुत कारगर है। और यह गिलोय झाड़ियों पर, पेड़ों पर रस्सी जैसा लपटी रहती है, पान के पत्ते जैसे पत्ते होते हैं और इसके फल जब पकते हैं तो लाल लाल हो जाते हैं। तो चले सबसे पहले हम उस पौधे को दिखा दूं। तो साथियों, यही वो गिलोय का पौधा है और उसका मैं एक जो रस्सी जैसा होता है उसका डंटल भी दिखाया हूं और इसके पत्ते मुलायम होते हैं। तो मित्रों, इसका जड़ को आपको प्राप्त करना है। तो साथियों, अब जड़ कौन सा समय में लाना है यह जान। तो मित्रों, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से ये भी एक नक्षत्र है। कौन सा? पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो आप अगर नक्षत्र के विषय में मालूम है तो आप खुद जान लें, निकाल लें, नहीं तो किसी पंडित से पूछें कि यह नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी कब आ रहा है। तो जब यह नक्षत्र आवे उस दिन सूर्य उदय होते होते इस जड़ को खोद कर लाए और दो टुकड़ा कर लें, इसको छोटा छोटा दो टुकड़ा कर लें और करने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठें और सबसे पहले उसको गंगा जल से साफ सुथरा कर लें। अब पूजा स्थल में बैठकर छोटा सा दो लाइन का मंत्र है, इस जड़ पर पढ़कर सिद्ध कर देना है। 5 मिनट तक इस मंत्र को जपें जड़ पर। तो मंत्र कौन सा है? सर्व जन मम वश्यम वश्यम पुरु पुरु स्वाहा। सर्व स्त्री मम वश्यम वश्यम पुरु पुरु स्वाहा। मित्रों, यह दो लाइन का मंत्र है।
फिर से एक बार सुन लें। सर्व जन मम वश्यम वश्यम पुरु पुरु स्वाहा। सर्व स्त्री मम वश्यम वश्यम पुरु पुरु स्वाहा। इस मंत्र को 5 मिनट तक उस जड़ पर पढ़ते रहें, चाहे मंत्र जितना भी हो जाए। तो मित्रों, यह जड़ अब मंत्र से सिद्ध हो गया। इस मंत्र में सर्व जन्म यानी आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। फिर दूसरा लाइन है सर्व स्त्री, किसी भी स्त्री को आप वश में कर सकते हैं। यह मंत्र में दोनों दर्शाया गया है। अब मित्रों, दो रंग का धागा लीजिए, सफेद और लाल, दोनों को मिलाकर, लाल सफेद दोनों को मिलाकर थोड़ी मोटी कर लीजिए और इस दोनों जड़ को एक में करके इसको बांध लें। और बांधने के बाद आप इसको गले में धारण कर सकते हैं, अपना दाहिना बाजू में धारण कर सकते हैं, अपने बांह में भी धारण कर सकते हैं। अब धारण करने के बाद इसके अंदर मन को मोहने वाली आकर्षण शक्ति वशीकरण का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अब इस बूटी को बांधकर किसी व्यक्ति के तरफ अगर बार बार देखते हैं, नजर को दौड़ाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके ऊपर दीवाना हो जाएगा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो मित्रों, एक बात का ध्यान रहे, क्योंकि न ये खिलाना है न पिलाना है, केवल देखने मात्र से ही दीवाना बना देता है। तो यह सावधानी बरते हैं, जिससे आपको आवश्यकता है उसी के तरफ अपना नजर को बार बार दौड़ाएं, दूसरे के तरफ नहीं। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।